जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आज हम समझते हैं श्रीलंका के ऊपर आया हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में चर्चा करते हैं और देखेंगे चाइना का क्या होती है डेट ट्रैप। श्रीलंका देखिएगा तो हमारा जो भारत का निचला हिस्सा में श्रीलंका है, एक छोटा सा देश हमारा बहुत करीब है श्रीलंका, और इसमें हमारे जो तमिलनाडु तमिल बहुत रहते हैं ये श्रीलंका में। तमिल के लिए क्या है? ये LTT हुआ था, लिबरेशन तमिल इलम, इसके लिए भी तो बहुत ये चाह रहा था, एक देश ऐसे एक देश चाह रहा था। तो श्रीलंका के मैप में देखिएगा तो यहाँ एक नदी है, इसको मेलगी गंगा कहा जाता है, और यहाँ पे हम्बन टाटा बंदरगाह है, और यहाँ पे है इसका कैपिटल। कैपिटल का नाम है वर्धनमपुरम, इसका कैपिटल का नाम, और इसको ओल्ड मतलब पुराना इसका नाम था सिलोन, श्रीलंका का नाम था सिलोन। ये चाय के लिए बहुत फेमस है, चाय यहाँ का अच्छा माना जाता है, तो चाय के लिए भी फेमस है, और एक फेमस है ये टूरिस्ट टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है श्रीलंका। तो श्रीलंका भी एक क्या था, एक ब्रिटिश कॉलोनी था श्रीलंका, हमारा देश की तरह ही। तो इसका ये आजादी हुआ ये 4 फरवरी 1948 को ये आजाद हुआ श्रीलंका। तो ये आजाद मतलब से बहुत लेन देन, ये जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अशोक की बेटी संगमित्रा थी वो गई थी श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए। और भी जो टेम्पल है, बहुत हिंदू टेम्पल है श्रीलंका में, जैसे भारत से बहुत अच्छे संबंध है। तो अभी ये इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है महेंद्र राजापक्षे, ये मतलब भारत से अभी भारत को बहुत ही गाली देता है, इसका राजनीति में भारत का अच्छा नहीं देखा जाता, भारत को गाली देता है ये। तो हमने जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया भारत को बहुत जो किया है, भारत ने अभी पैसा तो दिया था, अभी 1 बिलियन डॉलर और भी देने का जुर्माना किया है, मतलब भारत देगा श्रीलंका को, इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाएगा भारत। तो तमिल लोग जो तमिलनाडु तमिल लोग जो रहते हैं उसको, तो तमिलनाडु तमिलनाडु का जो CM है MK स्टालिन, उन्होंने ये तमिल लोगों के लिए मतलब ये इकोनॉमी कैसे ज्यादा ना बदतर ना हो, जैसे और बदतर ना हो, इसलिए ये तो बहुत सहायता किया है भारत से, बहुत सहायता गया है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में क्या रीजन देखिएगा, ये दो रीजन सबसे ज्यादा है, एक है कोरोना पेंडेमिक और एक ऐसा किसी किसी देश चाइना से कर्जा लिया था, और दो एक देश से चाइना से सबसे ज्यादा कर्जा लिया था, इसलिए इसका इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। कोरोना पेंडेमिक से वजह से क्या, इसका टूरिज्म में सब चलता है श्रीलंका का, टूरिज्म 10% है इसका जो GDP में देता है, 10%। हमारा इंडिया में देखिएगा तो इंडिया में अडानी है, अंबानी है, फिर टाटा है, तो टाटा सबसे बड़ा भारत का है, तो टाटा कंपनी जो भारत का 5% GDP में आता है, और इधर टूरिज्म में तो उतना मतलब ये दे रहे हैं टूरिज्म से। तो यहाँ पे बहुत ये समंद्र से घिरा हुआ है श्रीलंका, तो इसलिए क्या बहुत पर्यटन आते हैं, और यहाँ पे मतलब टूरिज्म से बहुत इनकम होती है सरकार को, 10% देती है। और हमारा टाटा कंपनी का कितना है, अब देखिए नून से चून तक सब टाटा कंपनी का है, स्टील है, ये जो गाड़ी बन रहा है सब है लोहा, फिर स्लॉट भी है, उतना टाटा का आईडी है, फिर भी मतलब इंडिया में 5% दे रहे हैं GDP में हिस्सा, और अकेले ये श्रीलंका का टूरिज्म से 10% है, हालांकि श्रीलंका बहुत छोटा है। हाँ, तो इसका इकोनॉमिक क्राइसिस किस वजह से और ज्यादा हो गया, ये जो मतलब जो फूड जो हुआ था किसान वो सारा ऑर्गेनिक कर दिया था, उसलिए भी फूड क्राइसिस आ गया, फूड क्राइसिस 14% आ गया, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होने की वजह से ये 14% आ गया। अभी जो मतलब श्रीलंका में न्यूज में आ रहा है 300 400, मतलब 1 KG चावल का दाम उतना, तो आम आदमी के लिए क्या होगा, मतलब जिंदगी जीना तो बदतर हो जाएगा आम आदमी के लिए, 300 400। हालांकि श्रीलंका जो रुपीस रहती है वो हमारा देश में जो भारत में 1 रुपया है, श्रीलंका रुपये में 4 रुपया उसको धरा जाता है, मतलब 4 रुपया है
श्रीलंका में, तो ये फूड क्राइसिस आ गया उसलिए, और फूड क्राइसिस ज्यादा देखने मिला। यहाँ पे पेट्रोल का भी क्राइसिस आ गया, पेट्रोल में इसका 85% आ गया, मतलब बहुत नीचे चला गया, और तेल के लिए एकदम नीचे क्राइसिस हो गया। बैंक क्राइसिस, दूसरे देश से आप ऐसे लोन लोगे तो क्या होगा, कर्जा आपको तो सहना पड़ेगा, तो बैंक भी इसका डूब गया, नीचे हो गया, क्राइसिस हो गया बैंक का भी। अभी जो हमारा देश में क्या है, मेन बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो श्रीलंका में इसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। तो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका में अभी ओनली 1.5 बिलियन US डॉलर है, उतना ही है और नहीं है। और चाइना को देना है 2022 में 7.5 बिलियन, तो कहाँ से चलेगा, यहाँ पे इतना रुपया है 1.5 बिलियन, और 7.5 बिलियन कैसे देगा, तो इसका इकोनॉमी एकदम नीचे आ गया, और दूसरे देश से ये पत्र लिख के खोजने लगे हेल्प। तो भारत में हेल प्रकाश की जो सरकार है वो आम आदमी को बहुत कुछ ये, और उसके बाद आम आदमी ने कुछ पाया नहीं, तो ये सरकार मतलब बहुत सारे लफड़ा हुआ होंगे, क्राइसिस आ गया। सालाना खर्चा दे दिए, सालाना खर्चा 2.6 बिलियन US डॉलर सालाना खर्चा है, और इसको 2022 में देना है 7.6 बिलियन डॉलर, 7.5 या 6 बिलियन डॉलर देना है चाइना को, और इसके पास बचा है 1.5 बिलियन डॉलर US डॉलर, तो कहाँ से होगा, ये क्राइसिस हो गया, इमरजेंसी लग गया, कर्फ्यू लग गया, इसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा, इसके बाद लोन लेने के जाना पड़ेगा, कर्जा लेने के लिए बैंक बैंक के पास, तो कौन सा बैंक, वर्ल्ड बैंक नहीं तो IMF, ये दोनों के पास जाना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक क्या देती है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टाइम के लिए लोन देती है, और IMF शॉर्ट टाइम के लिए देती है, तो लॉन्ग टाइम मतलब बहुत दिन, और ये अच्छे काम करने के लिए देती है ये वर्ल्ड बैंक, और लॉन्ग टाइम के लिए देती है, और IMF शॉर्ट टाइम के लिए देती है, मतलब IMF में लीजिएगा पैसा तो IMF में कैसा होती है, मतलब इकोनॉमी का आपका डिसबैलेंस कर देगा, वेटिलाइजेशन चलाओ वो मतलब चलाएगा IMF, वैसा होता है। तो हमारे देश में भी आया था इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 को, जब हमारा मिनिस्टर था PV नरसिम्हा राव, उस टाइम आया था, और जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस से हमारे देश को बचाया था। कई कंपनी भी आए थे टाइप करने के लिए इंडिया में, जैसे होंडा हो गया, कावासाकी, ये सब क्या कहते थे, कावासाकी बॉक्सर गाड़ी, और होंडा था पहले, उसके बाद हीरो होंडा हुआ, फिर अभी तो अलग के लिए देती है, और मतलब सालाना के लिए देगा और ले लेगा, IMF मतलब एकदम लो टाइम के लिए देती है, शॉर्ट टाइम के लिए, तो इसको बिल प्रोजेक्ट कहा जाता है, शॉर्ट टाइम बिल प्रोजेक्ट। तो ऑर्गेनिक करने की वजह से इसका फसल कम हुआ था, उसलिए फूड क्राइसिस आ गया, और इकोनॉमी एकदम ध्वस्त हो गया, उसलिए ये कर्जा था बहुत। ये चाइना क्या करती है, चाइना कोई भी अगर छोटा देश रहेगा तो उसमें चाहेगा अपना कब्जा जमाना, कहीं भी देश में देखे खोजेगा, ऐसे तिब्बत को खोजा, और फिर श्रीलंका में गया, ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है 1.3 बिलियन US डॉलर में किया था, उसका गवर्नर फिर चाइनीज कंपनी को ही बेच दिया, वो हम्बनटोटा बंदरगाह, तो 1.3 बिलियन इस पे खर्चा आया था। मतलब चाइना बहुत सारे प्रोजेक्ट करती है देश में, बहुत सारे, या करेंगे ये कर देंगे आपके देश में, ऐसा कर देंगे, और चाइना का सब जो इंजीनियर रहेगा सब कुछ रहेगा चाइना का, देश में कर देता है, और ज्यादा उसका कर्जा लेगा, तो ऐसे में डेथ ट्रैप ने श्रीलंका पास गया है। तो मैं अभी मतलब फूड क्राइसिस बहुत चल रहा है, इकोनॉमी एकदम डाउन है, उसलिए आम पब्लिक में बहुत मतलब जोश चल रहा है सरकार के ऊपर, ऐसा घटना आ रहा है। तो IMF मतलब शॉर्ट टाइम के देते हैं, और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टाइम के लिए, तो IMF भी देगा इसको। हाँ, चाइना BRI प्रोजेक्ट करा था श्रीलंका में, BRI प्रोजेक्ट श्रीलंका को लिए, तो भारत को जो गरिया है तो कैसे चलेगा, पास में उतना अच्छा देश है भारत, स्वदेश कुटुम्बकम भारत है हमारा, तो
ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स बहुत होती है अंदर में। तो इस तरह से ये बैंक भी डूब गया और पेट्रोल जो फूड क्राइसिस आ गया, कोरोना और जो कर्जा था उसके लिए ये इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गया। तो डेट ट्रैप क्या था, मतलब चाइना कोई भी देश में छोटा घटा आएगा और ऐसे काम करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, वो सब करता है और वसूलती भी है सब चाइना। तो ये थी श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस और डेट ट्रैप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।